सर, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस की सहायता से हमारे शिक्षक कैसे अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या आप हमारे टीचर्स को यह बता सकते हैं? अच्छा, एक तो ऐसा है कि कोई भी स्कूल में हमेशा टेक्नोलॉजी यूज होता है। पहले हम ब्लैकबोर्ड, पेन, पेंसिल, कागज और ये सब चीजें हम यूज करते थे, और ये सब टेक्नोलॉजी है एजुकेशन के लिए, जिसको पहले कोई नाम नहीं देते थे उसके लिए। लेकिन अभी कंप्यूटर्स आने के बाद हम सब एक शब्द यूज करते हैं, मीडिया। तो ये सब प्रिंट मीडिया हो या कुछ भी हो, ये सब जो है मीडिया के रूप में जाना जाता है। और कंप्यूटर जब आया तो अभी बहुत सारे चीजें सरल होने लगा है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देंगे, जैसे बहुत सारे चीजें हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारे सामने नहीं रहता है, तो उसको वीडियो के द्वारा हम आपको आपके साथ प्रकट किया जा सकता है। दूसरी, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक प्रोसीजर है वो कहीं कोई बड़ा सा लैब में होता है, और अपना छोटा सा गांव में कोई लैब भी नहीं होता है, और वो सब देखने को मन नहीं मिलता है। तो ये सारे चीजों को हम दूर दूर का जगह को, दूर में क्या होता है वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि वो एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कंप्यूटर से, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम देखने को मिलता है, एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में बहुत सारे इस तरह का एडवांटेजेस रहता है, और ये सारे रिसोर्सेस, पिक्चर्स हो, वीडियोस हो, सिमुलेशंस हो, ये सब अभी पूरा दुनिया में हर टीचर इंटरनेट में अपलोड करने से ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस का एक बड़ा सा रिपोजिटरी बन गया है। ये रिपोजिटरी में पूरा दुनिया से, हर जगह से आपको रिसोर्सेस मिलता है, और ये सारे रिसोर्सेस आपको पढ़ाने में बहुत काम आता है।